मैं हूं मनोज गुप्ता नेपाल और हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इसका आवाज़ स्मोक प्रॉब्लम है, इसका हम लोग अब इंजन खोलेंगे। तो ये रहा इसका पिस्टन, इसका जो रिंग होता है, रिंग ढक हो जाने के कारण से वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है। तो इसका हम लोग पिस्टन इसमें असेंबल कर चुके हैं। और ये रहा इसका रिंग, जो नेपाल में इसका रिंग का सिर्फ रिंग का प्राइस है 5,000 और पिस्टन और रिंग लेने पर इसका रेट है 25,000 और सिलेंडर सेट लीजिएगा तो 35,000 है 390 डुक का। तो हम लोग ये खोल रखे हैं जो 390 डुक है। तो इसमें रिंग किस तरह से डाला जाता है वो देख सकते हैं। अगर ये KTM में कुछ जानकारी लेना है आपको तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। फिर इस चैनल पर बहुत सारे बाइक सब मिलेंगे आप लोग को, बहुत कुछ सीखने। अगर आप मैकेनिक हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो फिलहाल इसका रिंग डला चुका है और ये अब बल्ब का इसका हेड का काम हो रहा है। तो ये जो इंग्लिश साइड का बल्ब अब इसमें फिटिंग हो रहा है। तो ये रहा इसका बल्ब का स्प्रिंग, इसमें चार बल्ब होते हैं और चार सिम भी होती है इसमें। इसमें रोकर नहीं होता है, जो पहले वीडियो में भी बताए थे। ये हमारा पांचवा इंजन है KTM का। तो इससे पहले भी कई वीडियो हम लोग KTM का अपलोड कर चुके हैं, 390 का, RC का, डुक का सभी है। तो अगर आप लोग को देखना है तो मनोज गुप्ता नेपाल सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे KTM का भी है, बुलेट का भी है, रॉयल एनफील्ड का, बहुत हिमालयन सब बाइक का है। 200 cc NS का है, R15 सब है उसमें। तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका सिम नापा जा रहा है, 2.47 का था ये। तो ये सिम को, चारों सिम को नाप कर उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तेरा दूसरी वाली सिम जो 2.35 का है, इसी तरह से इसका चारों सिम को नाप कर डाला जाता है। अगर ये सिम आपका मोटा हो गया तो कैमशाफ्ट कसने के समय में भेल लीकेज हो जाएगी, जिसके कारण से कंप्रेसर नहीं आएगी, और कंप्रेसर नहीं आया तो बाइक स्टार्ट नहीं होते हैं। अगर पतला हुआ तो जो इसका रोकर है वो लूज हो जाने के कारण से आवाज़ आएगी ज़्यादा। तो इसीलिए इसका फिलर गेज से नाप के डाला जाता है। और ये रहा इसका कैमशाफ्ट, इंग्लिश साइड का है ये। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट साइड का। इसको अब यहाँ पे कस के यहाँ से फिलर गेज से इसका गैपिंग जो है वो चेक हो रहा है, कितना mm का यहाँ पे गैपिंग है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अगर आप लोग को मेरा फेसबुक आईडी आपको देना चाहेंगे, मेरा फेसबुक आईडी है गुप्ता मनोज 462@gmail.com। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9845809121। व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है ये। तो ये इसका हेड असेंबल हो गया। अब इसमें इंस्टॉल करेंगे इसका कैमशाफ्ट। तो ये रहा इसका, इसमें पहले एग्जॉस्ट साइड का कैमशाफ्ट डाला जाता है, एकदम अच्छी तरह से टाइमिंग में मिलाकर।
अगर आप कोई सा भी बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको व्हाट्सएप में एसएमएस कर सकते हैं, जितना सकेंगे आपको हम हेल्प कर सकते हैं। और ये रहा इसका इंग्लिश साइड का कैमशाफ्ट, 390 है ये। इससे भी कई मज़ेदार वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं और इससे कई वीडियो अपलोड भी करेंगे। और एक KTM RC भी आया है हमारे पास, उसमें क्रैंकशाफ्ट उसका गियर क्या बोला जाता है कैमशाफ्ट की एक आवाज़ आ रही है, तो उसको भी खोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं T है यहाँ पे मैग्नेट में टाइमिंग, और ये बाइक वाले हैं और दोनों इसका कैमशाफ्ट असेंबल हो चुका है। और एक बार सब फिटिंग करने के बाद भी फिलर गेज से एक बार चेक किया जा रहा है कितना बल्ब क्लियरेंस है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये अच्छी तरह से डालना चाहिए इसको, और इसके ऊपर से एक ओरिंग होती है जो डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओरिंग नहीं हुआ तो वहाँ से मोबिल लीक करके बाहर की साइड में जाएगी प्लग के रास्ते से, तो ये इसका ओरिंग है। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर फिटिंग करना होता है। तो ये इसका हेड कैप हम लोग डाल चुके हैं, अब इसके बाहर के जो सुलेशन है उसको फिलहाल पोछा जा रहा है ताकि इंजन फ्रेश दिखे। सुलेशन बाहर हो जाने के कारण से बहुत इंजन रफ दिखता है कि इंजन खोल गया खुला हुआ है जैसा दिखता है वो, इसीलिए थोड़ा फ्रेश तरीका से इंजन को असेंबल किया जाता है। तो ये सब फिलहाल सब फिटिंग हो चुका है, अब और हमारा अगला वीडियो भी KTM यही है डुब 390 जिसका इंजन खोले हुए थे, और अगला वीडियो हमारा है KTM RC 390 का यही है जिसका कैमशाफ्ट की आवाज़ आ रही है, तो इसका कैमशाफ्ट खोलकर देखेंगे। इसका कैमशाफ्ट ख़राब हो गया जैसा लग रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसको भी हम लोग खोलेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।